नमस्कार, मैं माधवी सिंह मात रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं केरी का अचार बनाना बताऊंगी। केरी का अचार बनाने के लिए, मतलब कच्चे आम का अचार बनाने के लिए मैंने 1.5 किलो केरी ली थी और उसे अच्छे से धो के और छोटे छोटे पीसेस में काट लिया ये केरी। और फिर इसे हम थोड़ा सा ऐसे हवा में, पंखे के नीचे या धूप हो तो धूप में थोड़ी देर इसे रख लिया। अब हम इसमें क्या करेंगे कि हल्दी और नमक मिला के 2-3 घंटे के लिए रख देंगे। इसके लिए मैंने नमक डाल रही हूँ। मैं 2-4 चम्मच मैंने नमक डाल दिया इस चम्मच से। अब इसी चम्मच से मैं 2 चम्मच हल्दी डाल के और रख दूंगी। डायरेक्ट भी बना सकते हैं लेकिन आप इसे थोड़ी देर रख दीजिए, इसे मिला के और थोड़ी देर रख देंगे तो ये जो अब चूँकि केरियाँ कट गई हैं तो ख़राब भी नहीं होंगी। और फिर जब आपको टाइम मिले तब तो आप इसका अचार बना लीजिए। इस तरह से बस इसे हम रख देंगे, मिला के ढक के और रख देंगे। फिर मसाले हम बाद में मिलाएंगे। केरी का अचार बनाने के लिए मैंने 1.5 किलो केरी ली थी तो उसके लिए हमने ये 250 ग्राम राई दाल ली है। हम राई दाल वाला अचार बनाएंगे। और 100 ग्राम हमने सौंफ लिए मोटी वाली, 50 ग्राम हमने मेथी दाना लिया है और मिर्ची, और ये सब मैं बाद में बताऊंगी कितना डालना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये मेथी को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसे धीमी धीमी आंच में और ब्राउन होने तक इसे भूनना है। अब ये देखिए, ये मेथी का कलर चेंज हो गया है, अब ये भून गई है। अब इसे हम पलट लेंगे। हम ये सौंफ को ज्यादा नहीं भूनना है, इसे बस इसकी नमी दूर हो जाए बस इतना भूनना है। पैन को पहले तेज कर लेंगे, उसके बाद फिर आंच को हम स्लो कर देंगे। जब ये गर्म हो जाएगा पैन, फिर हम ये सौंफ डाल के और स्लो में कर देंगे। इसके लिए मैंने मोटी वाली सौंफ ली है, अचार में मोटी वाली सौंफ सही रहती है। हाँ, अब ये देखिए, अब ये बस इतना भूनना, हमें ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, बस अभी से हम पलट लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये राई दाल को सिर्फ ऐसा करना है कि इसकी थोड़ा सा नमी दूर हो जाए बस, और कुछ नहीं करना, ज़्यादा मतलब रोस्ट नहीं करना। अब ये बस ये हो गया, बस मतलब गरम करना है इसको एक तरह से, थोड़ा सा नमी इसकी निकल जाए बस, मॉइस्चर। और अब हम ये बंद कर दिए गैस। अब जब तक हमारा मसाला ये ठंडा हो रहा है, इसे सौंफ को तो हमें दरदरा होने तक पीसना है और ये जो मेथी है मेथी को बारीक पीसना है और जो राई दाल है उसे भी 1-2 राउंड मिक्सी में ऐसे घुमा लेना है। अब हम क्या करेंगे, जब तक ये मसाला हमारा ठंडा हो रहा है पीसने के लिए, तब तक हम क्या करेंगे, एक छोटा सा कंडे का टुकड़ा, कंडे मतलब उपले का टुकड़ा हमने गैस पे रखा है और इस पे हम ये एक बॉटल ली है हमने कांच की अचार के लिए, इसको अच्छे से धो के और हमने सुखा लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसकी इसमें हींग की धुनी देंगे जिससे अचार में एक सौंधापन रहता है और अचार ख़राब भी नहीं होता है। ये मेरी नानी दादी ये लोग ऐसे ही अचार बनाती थी तो जार को इस तरह से धुनी देती थी। अब मैं उसी तरह से आपको बताऊंगी कैसे करती थी वो। अब ये जो अंगारे हैं इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे इसमें हींग डाल दिया हमने और इसको बॉटल को ऐसे उल्टा करके रख देंगे।
अब इसमें ये धुआं भर गया है, देखिए अब इसको जल्दी से ऐसे बंद कर देंगे ढक्कन इस तरह से। अब ये हमारा अचार भरने के लिए तैयार हो गई बॉटल। अब ये मेथी को मैं महीन पीस लूंगी मेथी को। ये राई दाल का अचार है इसलिए इसमें सौंफ मेथी राई दाल ही डालेंगे और हींग मिर्ची धनिया वो मिर्ची हल्दी नमक बस। अब ये मैंने मेथी को इस तरह से पीसा है, ये देखिए ये थोड़ा बारीक है। और ये जो सौंफ है इस सौंफ को मैंने दरदरा पीसा है, ये देखिए इस तरह से। और इसे भी हम बस एक एक राउंड घुमाते हुए राई दाल को बारीक नहीं करना है लेकिन ऐसे थोड़ा सा इसको भी पीस लेना है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने केरी रखी थी नमक और हल्दी लगा के उसमें हम ये मसाले सब मिलाएंगे। अब ये हमने जो केरी को पानी ये हल्दी और नमक मिला के रखा था उसमें इसने पानी छोड़ दिया, ये देखिए ये पानी। इस पानी को फेंकना नहीं है, ये है पानी, इस पानी में ही हमें मसाला मिला लेना। अब हम क्या करेंगे, गैस ऑन करके हमने क्या किया था कि सरसों का तेल, अचार में सरसों का तेल अच्छा लगता है तो हमने सरसों का तेल गरम करने के लिए रख दिया था और वो और उसे ठंडा कर लिया है। और उसमें हमने आधी चम्मच से ज़्यादा मतलब एक चम्मच के करीब हमने हींग भी डाल दी थी गरम तेल में। अब हम क्या करेंगे, पहले इसे मसाला मिलाएंगे। ये हमने मेथी दाना मिलाया, मेथी पिसा हुआ मेथी, मेथी पाउडर तीन चार, ये है 50 ग्राम के करीब। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये हमने सौंफ जो पीस के रखी थी ड्राई रोस्ट करके और पीस के वो मिला देंगे, ये है 100 ग्राम और ये है 250 ग्राम राई दाल। यदि आपके पास मेजरमेंट कप है तब तो ठीक है और यदि नहीं है तो आप कोई सी भी कटोरी ले लीजिए, जैसे हमने ये वाली कटोरी ली। इस कटोरी में हमारी ये दो कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा राई दाल थी मतलब 250 ग्राम थी और हमने एक कटोरी इसी में सौंफ ली और आधी कटोरी हमने मेथी लिया। अभी इससे पहले मिला लेंगे। अभी इसमें हल्दी और मिर्ची भी मिला लें, नमक फिर उसके बाद फिर अच्छे से मिलाएंगे। हल्दी हमने पहले इसमें 2 चम्मच डाल दिया था, अब इसमें हम 2 चम्मच और डाल देंगे और ये 2 चम्मच हम डाल देंगे इसमें लाल मिर्ची। और अब ये कश्मीरी लाल मिर्च है जिसे देगी मिर्च भी आप डाल सकते हैं, ये अब हम डालेंगे। चार चम्मच, ये तीखी रहती नहीं है, ये सिर्फ कलर के लिए कि देखने में अच्छा लगे, ये डाल देंगे। और इसी में मैं थोड़ा सा हींग भी डाल दूंगी, वैसे हींग मैंने ऑयल में डाल दिया है लेकिन फिर भी आधा चम्मच हींग और डाल देंगे। पहले मिला लेंगे उसके बाद फिर नमक डालेंगे क्योंकि नमक भी हमने पहले डाल दिया था। ये राई दाल का अचार है, केरी का राई दाल वाला अचार है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सरसों का तेल मिला देंगे। ये हमारा कप है 250 ml का, तो एक कप ये मिला दिए, ये 2 कप। इसको हमने सरसों के तेल को गरम करके और ठंडा कर लिया था, अभी पहले मिला लेंगे, यदि जरूरत पड़ेगी तो और डाल देंगे। इसमें क्या है, नमक और ऑयल ये दोनों चीज ही प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। नमक भी थोड़ा तेज रखना चाहिए और ऑयल भी अच्छे से डाला हुआ होना चाहिए तो आपका अचार कभी खराब हो ही नहीं सकता। और इस चीज का ध्यान देना है कि कोई भी चीज गीली चीज इसमें गीली चम्मच वगैरह नहीं डालना। अब इसमें थोड़ा सा तेल और चाहिए, अब इसमें हम 1 कप तेल और डाल देंगे। मैंने हमने इस कप में 3 कप तेल डाला है मतलब 750 ml मैंने 1.25 लीटर के करिए। और इसमें अभी नमक थोड़ा कम होगा क्योंकि 4 चम्मच नमक हमने पहले डाला था केरी में, अब इसमें थोड़ा सा नमक हम और डाल देंगे।
और ये कश्मीरी मिर्च थोड़ा सा और डाल देंगे, मतलब ये 50 ग्राम हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाली, और 2 चम्मच हम डाल देंगे और नमक, मतलब हमने टोटल 6 चम्मच नमक डाला है, मतलब कि 100 ग्राम से थोड़ा सा कम। अब इसे अच्छे से मिला देंगे और फिर बॉटल में भर देंगे। हालांकि अभी जैसे इसको बॉटल में भरेंगे तो तेल पूरा ऊपर आ जाएगा, लेकिन जहाँ थोड़ा ठंडा मौसम होगा तो ये फिर से नीचे चला जाएगा, और तेल इसमें सफिशियंट होना चाहिए तभी अचार खराब नहीं होता। अब ये थोड़ा सा तेल इसमें अभी और जाएगा, अब इसमें थोड़ा सा तेल और डालूंगी। हाँ, और इस बात का, और ये हमने जो राई दाल 250 ग्राम बताई थी उसमें से थोड़ा सा दाल ये ज़्यादा लग रही है, इसलिए मैं इसे नहीं डाल रही, आधा कटोरी के करीब ये बची हुई है, इसको इसे मैं अभी नहीं डाल रही क्योंकि मसाला इसमें सफिशियंट हो गया है, इसलिए मैं। और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी तेल में तेल को गर्म नहीं डालना है, नहीं तो क्या है मसाले काले पड़ जाएंगे। इसे गर्म करके और ठंडा करके डालना है, गर्म गर्म नहीं डालना है तेल को, और इसमें गीली चम्मच बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो अचार खराब हो सकता है। और तेल बराबर होना चाहिए, तेल मतलब कि अच्छा होना चाहिए, ऊपर तक तेल दिखना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि उसमें फफूंद भी लग सकती है। इसलिए यदि अचार में तेल अच्छा रहेगा और नमक अच्छा रहेगा तो अचार नहीं खराब होगा। इसमें मैंने कोई भी केमिकल नहीं डाला है प्रिजर्वेटिव के लिए, लेकिन फिर भी अचार हमारा ख़राब नहीं होता है। अब इसमें थोड़ा सा तेल ठंडा हो जाए, थोड़ा सा कम हो गया था तेल, मैंने फिर से गर्म करने को रखा, ठंडा हो जाए फिर मैं इसे में और मिला दूँगी। अभी इस बर्नी में हम ये थोड़ा सा तेल डाल के और इसको घुमा देंगे। इस तरह से घुमा देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल और डाल देंगे, नीचे हींग थी ये भी डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा आप नमक टेस्ट कर लीजिएगा, यदि नमक कम लगे तो डाल इसमें थोड़ा सा और डाल दीजिएगा, क्योंकि क्या है रखने के बाद थोड़ा सा ये केरी भी अपना खट्टापन छोड़ता है, तो नमक थोड़ा सा तेज ही रखना है, यदि आपको कम लगे तो और डाल दीजिएगा। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बस अभी ऑयल भी अच्छा है इसमें, ये देखिए। अभी इसमें थोड़ा सा और डाल सकते हैं, लेकिन अभी ठीक है क्योंकि अभी गर्मी है, गर्मी में फिर जैसे बॉटल में जो हम डालते हैं तो सारा तेल ऊपर आ जाता है, तो यदि ज़्यादा रहेगा तो कभी कभी गिरने का भी डर रहेगा, इसलिए फिर जब कम होगा तो फिर आप गर्म करके और थोड़ा सा तेल और डाल दीजिएगा। वैसे अभी तो सही है ये ऐसा। अब ये हमारा अचार बन के तैयार है, अब इसे हम जार में भर लेंगे। इसको धूप में रखने की भी ज़रूरत नहीं है, और बस इसे अच्छे से सेफ्टी वाइज इसमें ऊपर एक कॉटन का कपड़ा बांध दीजिए, ढक्कन लगा के, और बस रख दीजिए, आपका अचार ख़राब नहीं होगा। अब ये केरी का अचार बनके तैयार हो गया है। इसके लिए हमने 250 ग्राम राई दाल ली थी, लेकिन उसमें से थोड़ा सा बच गई है ज़्यादा, तो मतलब लगभग 200 ग्राम के करीब, और 100 ग्राम मोटी सौंफ, और 50 ग्राम हमने मेथी दाना लिया था, और 50 ग्राम कश्मीरी लाल मिर्च, 2 चम्मच हमने लाल मिर्च ली थी, और 7 चम्मच नमक, मतलब 100 ग्राम से थोड़ा सा कम नमक, और हल्दी, हल्दी पाउडर हमने 4 चम्मच डाला। अब ये इस रेशो से यदि आप बनाएंगे तो आपका अचार बहुत अच्छा बनेगा। और तेल हमने 1 लीटर में थोड़ा सा कम हुआ है, मतलब बच गया है, तो इतना अभी हमने तेल डाला है थोड़ा सा। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे कि यदि आपका तेल नीचे ठंडा जैसे मौसम होगा तो ये जो तेल अभी ऊपर गर्मी में ऊपर आ जाएगा, और जब ठंडा मौसम होगा तो नीचे चला जाएगा, तब आप ऊपर से थोड़ा सा 1-2 चम्मच ऑयल गरम करके सरसों का तेल और इसमें डाल दीजिएगा,
तो आपका अचार साल दो साल बिल्कुल भी खराब नहीं होगा यदि इस तरह से आप बनाएंगे तो। और सेफ्टी रखना ही है, गीली चम्मच नहीं डालना है, इस चीज़ का तो सभी को मालूम रहता है। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। हाँ, केरी हमने 1.5 किलो ली थी। थैंक यू।